में जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महामंत्री, और ऐसे में अब बुलेट प्रूफ कार उन्हें दी गई है। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर में जो रैली हुई थी और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ, उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए थे। 10 दिसंबर को यह हमला हुआ था, खुद विजयवर्गीय चोटिल हुए थे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाने की आखिर क्यों जरूरत महसूस की गई, बुलेट प्रूफ कार क्यों देनी पड़ रही है इन्हें? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत ये हमला हुआ था और जिस समय कैलाश विजयवर्गीय को चोट भी आई थी उस हमले में, उनकी गाड़ी पूरी तरीके से सारे शीशे टूट गए थे, गाड़ी के अंदर ईंट, बड़ी बड़ी ईंट दिखाई दे रही थी, तो उस हमले को गंभीरता से लिया है होम मिनिस्ट्री ने। हालांकि पहले भी उनके पास जेड श्रेणी की सिक्योरिटी थी, लेकिन अभी भी जेड ही रहेगी, लेकिन उसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है और साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके लिए आवंटित की गई है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो हमला हुआ था और ईंटें उनके गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर थी, उसको केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है, जिस कारण यह फैसला लिया गया है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था बीजेपी अध्यक्ष की रैली के दौरान, उसको देखते हुए बीजेपी ने कई तरह की आशंकाएं जताई थी और ये कहा था कि राज्य में जिस तरीके की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसमें कई खतरे सामने रहते हैं, लिहाजा इस तरीके की बात की जा रही थी। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि जो श्रेणी है उनकी, वो जेड श्रेणी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है। यानी जेड कैटेगरी की ही सुरक्षा कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगी, लेकिन अब सुरक्षा में इजाफा हुआ है और बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्हें दे दी गई है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए थे 10 तारीख के उस हमले में जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया गया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि दरअसल वहां की पुलिस एक टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, इसीलिए पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। क्या इस तरह की आशंकाओं की वजह से भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है कैलाश विजयवर्गीय की? देखिए, पूरी घटना को बहुत बेहद गंभीरता से लिया था प्रशांत, और इसको इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के डीजी और मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने तलब किया था। हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें यहां आने से इनकार कर दिया, जो एक बड़ा विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। इसके अलावा 3 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में बुलाया गया था, वो भी विवाद बना हुआ। तो पूरी घटना को केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ अगर इस तरीके का वाक्य होता है और उसमें पार्टी के महासचिव पर को चोट लगती है, उनका लिगामेंट फ्रैक्चर भी हुआ था, तो इस तरीके की घटना को गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिस कारण ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो अधिकारियों को बुलाया गया, तलब किया गया, उन्होंने मना किया, ये गतिरोध साइमल्टेनियसली एक अलग एंगल पर चल भी रहा है, लेकिन बंगाल में सुरक्षा पर